ओम शांति। आज खास से वीडियो पैरेंट चाइल्ड के लिए है। एक्चुअली में आप यदि पैरेंट हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, आपके बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए हैं, आपने एडमिशन कराने वाले हैं, तो बच्चा जो है स्कूल भेजने के पहले हम उस बच्चे की कैसी तैयारियां करा दें, आखिर क्या पूर्व तैयारियां होनी चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप जानते हैं बच्चा बहुत ही निर्मल होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे हमें ही देख करके वो कॉपी कर रहा होता है। हम जैसी बात करेंगे वैसा वो बोलने की कोशिश करता है, हम जैसे चलेंगे वैसा वो चलने की कोशिश करता है। तो हमारा बच्चा अब स्कूल जाने के योग्य बन चुका है, तो हम क्या करें? हम उस बच्चे को बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो स्कूल में नर्सरी में सिखाई जाती हैं, एलकेजी में दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम बच्चों को घर पे थोड़ी थोड़ी बीच बीच में देना शुरू कर दें, सिखाना शुरू कर दें, है ना। कैसे क्या करना है, उन्हें अक्षरों का ज्ञान थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दें, ताकि बच्चा स्कूल जाने के पहले ही घर पे सीख जाए। एक माँ की जिम्मेवारी होती है ना, वो अच्छी से अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को दे। तो कर्व करना, है ना, एक लाइन लंबी खींचना, ये करना, वो बच्चे को आप जैसे ही देंगे वो धीरे 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 करना शुरू कर देगा। वो जो है अपना अल्फ़ाबेट पूरी तरह से समझ चुका होगा, उसको आने लग जाएगा, तो उसके लिए काफ़ी ईजी होगा जब वो स्कूल में जाएगा। तो हम इस प्रकार से अक्षरों का ज्ञान दे सकते हैं, पढ़ाई के बारे में थोड़ा थोड़ा खेल खेल में उन चीज़ों को ले सकते हैं। लेकिन अगली चीज़, हम बच्चे को कुछ संस्कार भी सिखाएंगे। पहली बार हम बड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चा भी करेगा। उसको हम पहले सिखा दें कि बड़े जो भी कोई बातें कहते हैं हमारी समझ के साथ में, हमें कभी ना में जवाब नहीं देना है, हमें उस कार्य को ज़रूर करना है, ताकि वो बच्चा स्कूल जाए और टीचर कोई होमवर्क दे और कोई बात पूछे तो वो बच्चा कह ना पाए। ऐसे नहीं, हम उसे पहले ही बता दें ऐसे करना है। बच्चे को अपना नाम बोलना तो पहले सिखा देना चाहिए, अपने पेरेंट का नाम, जहाँ रहते हैं वो जगह, है ना, ये सब चीज़ें बच्चों को पहले से ही आ जानी चाहिए स्कूल में जाने के पहले, ताकि टीचर पूछे तो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बता सके। चाहे आप जिस भी लैंग्वेज में उन्हें सिखाना चाहें, मुझे लगता है 2 लैंग्वेज ज़रूर होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, तो वो आज के समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देन बच्चा यदि स्कूल जाने लगा है तो हम जो है उसको विशेष सिखाएं कि बच्चा जो है किसी और की चीज़ों को बिना पूछे ना उठाए। और भी फ्रेंड्स होंगे ना, और भी सभी होंगे, सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे साथ में होंगे, किसी की भी चीज़ों को देख करके वो अपने आप में ये फील ना करे कि मेरे पास भी होनी चाहिए और वो बिना पूछे उठाए। नहीं, उसे पहले बता दीजिएगा कि किसी की भी चीज़ों को बिना पूछे नहीं उठाते हैं, और जो भी है आपके पास में सफिशिएंट है, आपको जो चाहिए होगा वो हमसे बोलना, लेकिन किसी की भी चीज़ों को उठाना नहीं है, ताकि बच्चे की कहीं कोई गलत आदत ना हो जाए। तो आपको इन चीज़ों में अलर्ट रहना होगा। अगली चीज़, यदि बच्चा लंच लेकर के जाता है तो घर पे आप उसे हैंड वॉश करना सिखाइए, ताकि वहाँ पे भी वो अच्छी तरह से कर सके, है ना। खुद की साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, कहीं पे भी वो गंदी जगह पे ना बैठे, वो घर पे आप सिखा दीजिए, ताकि वो वहाँ पे भी गंदा जगह पे ना बैठे, कोई गंदी खेल ना खेले, इस प्रकार से, ताकि बच्चा सेफ रहे, है ना, जर्म से थोड़ा बचा रहे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगली चीज़ें, आप क्या करेंगे बच्चे के लिए? बच्चों को आपने ये सिखा दिया, पर बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? बच्चा छोटा है, अभी वो बहुत अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर पाएगा, आपको उनके लिए करना होगा। यस, पेरेंट ही है, माँ है जो अपने बच्चे के मेडिटेशन बहुत अच्छा कर सकती है, पिता है तो आप भी कर सकते हैं, पर पहले आपको खुद सीखना होगा। तो क्या करना है मेडिटेशन में? कनेक्ट टू गॉड, हम भगवान से कनेक्ट होंगे। परमात्मा का स्वरूप जो है एक पॉइंट के फॉर्म में है, वो भी एक एनर्जी है और हम भी एक एनर्जी है। अपने आप को देखिएगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड के बीच में आम सोल और ईश्वर जो है वो हमारे बिल्कुल सामने है। उनकी शक्तियाँ आती जा रही हैं और वो शक्तियाँ हम पर आकर के हमारे बच्चों में जा रही हैं। बच्चे को आप कैसा भी बनाना चाहते हैं, वो हर थॉट आप बच्चे के अंदर डालिए, चाहे वो प्रेम से बात करने की हों, खुश रहने की हों, एक अच्छा बहादुर बच्चा बनाना चाहते हैं आप, एक टैलेंटेड बच्चा बनाना चाहते हैं आप, एक संस्कारवान बच्चा बनाना चाहते हैं, तो देखिए और बोलिए मेरा बच्चा बहुत संस्कारवान है, बहुत चरित्रवान है, वो हर एक चीज़ परफेक्ट करता है, उसका हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो ओबीडियंट बच्चा है। आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, वो आप उनमें वाइब्रेशन के थ्रू डालिए। बच्चा जब सोया हुआ होगा वो हर एक चीज़ को अपने में अवशोषित करेगा, ऑब्जर्व करेगा और वो जो है उसके संस्कार बनते जाएंगे। तो आप सोने टाइम पे बच्चों के लिए मेडिटेशन करें। कुछ टिप्स जैसे आप यदि प्राणायाम, योगा, ओम ध्वनि उच्चारित कर रहे हैं, बच्चा भी 1-2 मिनट 4 मिनट के लिए बैठ करके वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, वो बहुत बेहतरीन होगा। बच्चों की एकाग्रता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रखती है, क्योंकि बिना एकाग्रता के वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप घर पे सिखाइए, कम से कम वो थोड़ी देर बैठ करके ओम की ध्वनि करना शुरू कर दे, ओम उच्चारित करे, जिससे उसका ब्रेन, उसका माइंड, उसकी बॉडी जो है बहुत अच्छी है। तो आप बच्चे को ओम ध्वनि करना सिखा दीजिए ताकि उसके प्रैक्टिस में आ जाए। ये छोटी छोटी आदतें बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज़ें डालनी होगी। बच्चे भी मेडिटेशन करें, वो कैसे करना है, मतलब कुछ अच्छी बातें उनको भी अपने आप के लिए बोलना सिखाइए ताकि वो बच्चा अच्छे से अपने आप को भी कर सके। अभी उतना अच्छा नहीं कर पाता है तो आप खुद उनके लिए कीजिए जो आप चाहते हैं, वो बच्चे में वाइब्रेशन डालिए। जब वो सोया होता है कोशिश करें बच्चों को बहुत देर तक ना सोना है, बच्चों को अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह हम उठा दें तो देखना बच्चे का क्या माइंड होगा। उसे प्रकृति के संपर्क में लेकर के आएँ, उसे सुबह सुबह वॉक कराना सिखाएं। लंबे समय तक हम ना सोएं और ना सुलाएं, यदि आप एक अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं अपनी संतान को। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं। ओम शांति, शुक्रिया।